खरखोदा शहर में एक तरफ जहां मारुति का कारखाना लगने से जमीनों के रेट आसमान छूने लगे हैं, वहीं होटल, रेस्टोरेंट, वाटर पार्क जैसी सुविधाएं भी इस क्षेत्र में बढ़ने लगी हैं। खरखोदा के सोनीपत दिल्ली बाईपास के नजदीक खुला पायरेट्स किंगडम वाटर पार्क इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वाटर पार्क के निदेशक जितेंद्र काद्यान के अनुसार यहाँ पर मनोरंजन के लिए लगाई गई राइड्स सबसे अलग और सुरक्षित हैं, जिसमें मस्ती कर लोगों का पूरा पैसा वसूल हो रहा है। उन्होंने बताया कि वाटर पार्क की मस्ती के साथ यहाँ समय समय पर ग्राहकों के लिए स्टार गायकों को भी बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि आज भी एक स्टार गायक ने यहाँ अपनी प्रस्तुति दी, इसमें हजारों लोगों ने मनोरंजन किया। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र काद्यान जी, हम इनसे जानते हैं कि पायरेट्स किंगडम्स में किस तरह की सुविधाएं हैं और कितना किफायती है ये और कितना सुरक्षित है। जितेंद्र काद्यान जी, क्या कहना चाहेंगे पायरेट्स किंगडम्स के बारे में? नमस्कार, पहले सब दर्शकों को मेरी तरफ से जी। और ये वाटर पार्क जो हमने पब्लिक की सुविधाएं को देखते हुए यहाँ पर 100% सुरक्षित के लिए हम ऐसी चीज बनाई है, किसी फैमिली यहाँ आए, आसपास के जितने भी अपने 25-30 किलोमीटर की जो फैमिली है, सब अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए, फुल एंजॉय करें। यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, शाम के 6 बजे चलता है ये। और जो यहाँ राइड्स लगी हैं, एक अच्छी क्वालिटी की राइड्स अच्छी कंपनी से हमने तैयार करवाई हैं, जो आसपास के एरिया में किसी के पास ऐसी राइड्स हैं नहीं। जैसे अपने पास एक राइड्स है डबल पेंडुलम, जो डबल पेंडुलम राइड्स है वो आसपास किसी वाटर पार्क में नहीं है। और जो अपना प्ले स्टेशन है बच्चों को, जो किड्स पूल बोलते हैं, इतना बड़ा एक किड्स पूल भी किसी वाटर पार्क में आज तक हमने नहीं देखा है। हम भी बहुत वाटर पार्क में गए हैं और बहुत पार्क गए। अपने वेव पूल है, जो वेव पूल की जो अपने डिजाइनिंग कर रखी है, ये वेव पूल भी किसी के पास नहीं है। इसके ऊपर हमने एक स्टेज बना रखा है, जो लाइव जिसका भी वो प्रोग्राम करते हैं, हम लाइव इवेंट करवाते हैं यहाँ पर। अच्छे कलाकार जो हरियाणा के अपने अच्छे कलाकार हैं, उनको हर संडे इवेंट होता है यहाँ पर। अच्छी अच्छी और राइड्स हैं अपने पास में, जो आसपास किसी के पास भी नहीं है जी। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपके पायरेट्स किंगडम्स में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? अपने जो लाइफ गार्ड हैं, उसकी हमने पूरी एक टीम लगा रखी है। जो जेंट्स राइड्स करते हैं, ऊपर से हर राइड्स के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड और एक लाइफ गार्ड ऊपर होता है। उसके नीचे जैसे अपने जो वुमेन्स, जो लेडीज ऊपर से राइड करती हैं, उनके लिए नीचे भी एक लेडीज होती है, एक ऊपर भी लेडीज होती है। पूरी उनकी सेफ्टी के लिए हमने, सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया जा रहा है कि पायरेट्स किंगडम्स में हर संडे को या किसी भी दिन बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता है लोगों के मनोरंजन के लिए। कौन कौन लोग आ चुके हैं और आगे कौन आने वाले हैं? अपने पास सर, अपने क्या नाम है उसका, मुकेश झा जी, उनके एक भतीजे थे अमन झा जी, और कई कलाकार आए हैं। अभी अभी संडे को अपनी 11 जून को आए थे दिलेर खरकिया जी, और उनके भाई थे खेर खरकिया जी। और अगले संडे को हम अपने देव कुमार देवा जी हैं, उनको इवेंट के लिए अपने आमंत्रित करेंगे, वो अगले संडे को आने का उनका प्रोग्राम है जी। अगर राइड्स की बात करें तो किस तरह की राइड है आपके पास है मौजूद इसमें? अपने पास जो राइड है जी, वो एक अच्छी क्वालिटी की है, जो नई कंपनी से, नई अच्छी मतलब जो कंपनी है, फुल सेफ्टी के साथ उससे हमने तैयार करवा रखी है। और नई राइड्स हैं, बिल्कुल नया वाटर पार्क है, एकदम पूरी सेफ्टी के साथ हमने उसको तैयार करवा रखा है जी। जो दर्शक हैं हमारे और जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो आजकल चिल होने के लिए पहाड़ों की ओर जाते हैं, लेकिन आपने जो ये नया पायरेट्स किंगडम्स यहाँ पे बनाया है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके यहाँ भी आके एक बार चिल हों और यहाँ मनोरंजन करें? सर देखो, चिल तो क्या है, जिसके पास एक नॉर्मल फैमिली है, वो पहाड़ों में इतना पैसा लगा कर नहीं जा सकती। और नॉर्मल फैमिली अपने वाटर पार्क में आ सकती है, जो पूरे दिन अपने बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं, खुद फैमिली आ सकती है, पूरी फैमिली। रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे, कोई किसी से ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा रेस्टोरेंट है, जो अच्छा अपने दिन में अपने खाना भी अच्छा बढ़िया सेफ है, जो 5-स्टार होटल से उसका सेफ ले आके उसको खाना अच्छे से करवाते हैं। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और क्या है, पहाड़ों में तो वही जाता है जिसके पास देखो जी पैसा हो। अपने नॉर्मल फैमिली जो अपने वहाँ पहाड़ों पर नहीं जा सकती, जितना एक महीने का बजट जो होगा उसमें अगर उसका टूर हो जाएगा तो उसमें बजट उसका घर का बिगड़ जाता है। और वाटर पार्क में तो क्या है, एक नॉर्मल फैमिली आके अपना एक दिन का एंजॉय करके अपना फैमिली अपने घर भी कोई दिक्कत नहीं होती।
तो दर्शकों ये थे जितेंद्र कादयान, पायरेट्स किंगडम्स के निदेशक, जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आने वाले जो भी पर्यटक होंगे या जो भी नागरिक होंगे उनको बेहतरीन मनोरंजन यहाँ पे मिलेगा, बेहतरीन राइड यहाँ पे मिलेंगी और कम लागत में मिलेंगी। इसलिए एक बार ये कह रहे हैं कि एक बार जरूर पायरेट्स किंगडम्स में जरूर आएं और मनोरंजन यहाँ पर करें। इस दौरान पायरेट्स किंगडम्स के नमन कादयान ने विस्तार से वाटर पार्क की सुविधाओं के बारे में बताया। हेलो जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, मैं नमन कादयान यहाँ का डायरेक्टर है। आप जी देख सकते हैं 4.5 एकड़ में ये वाटर पार्क है जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बढ़िया वाटर पार्क है। इतनी बड़ी स्पेस, इतना स्पेशियस, इतना बढ़िया यहाँ का जो माहौल है, जो स्लाइड्स है आप सब देख सकते हैं, वो आसपास कहीं भी नहीं है। आसपास जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए राइड्स तो मैं कह रहा हूँ गिन ही नहीं सकता है। हम ये भी चैलेंज करते हैं अगर कोई सारी राइड्स कर देगा तो उनके लिए भी ऑफर छोड़ते हैं। अगर आप सामने देख सकते हैं 54 है, क्लोज बॉडी है, फैमिली स्लाइड है, ओपन बॉडी है, डबल पेंडुलम है। ये डबल पेंडुलम जैसी स्लाइड है जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक है। इसमें क्या है जी, डबल मजा है। हर जगह होती है सिंगल, पर ये डबल पेंडुलम है डबल मजे के साथ में। और हमारा एक बड़ा टावर है जो कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, जिसमें मल्टी रेसर है, स्पीड स्लाइड है, बेबी स्पीड है। हमारा जो वेव पूल है जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा वेव पूल है, जो हमारा किड्स प्ले स्टेशन है सबसे बड़ा है वो। एक साथ उसके अंदर 1500 बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और अच्छी फैमिली कर सकती है। एक टूडलेस पूल भी हमने सामने बना रखा है, एक छोटा सा पूल है, बहुत फैमिली है जिनके छोटे बच्चे बहुत ही छोटे हैं, 2 साल के 3 साल के, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कुछ एंजॉय करना, उसके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट कर रखे हैं, जैसे लेडी लाइफ गार्ड्स है, क्योंकि बहुत फैमिली ऐसा सोचती है कि जी हमारे बच्चों को लेडीज है तो अच्छे से संभाल पाएंगी, तो इसलिए हमने लेडी लाइफ गार्ड भी इंट्रोड्यूस करा है, जो कि सेगमेंट में बिल्कुल ही नया है। किसी भी वाटर पार्क में कोई भी लेडी लाइफ गार्ड नहीं होती। क्या कहेंगे इसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग रहने वाले, उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल, जितने भी आसपास के हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे यहाँ से बहुत ही नज़दीक में हमारे रोहनी है, बवाना है, रोहतक है, यहाँ से सोनीपत तो बहुत ही नज़दीक है, बहादुरगढ़ है, सापला है, सारे सब आइए यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। एक बहुत ही बढ़िया पैसा वसूल है, किसी का अगर पैसा वसूल ना हो तो जी बिल्कुल बता देना, पैसे वसूल चीज़ है यहाँ पे। वहीं पायरेट्स किंगडम्स ग्रुप के प्रबंधक कुलदीप दहिया ने लोगों को फुल मनोरंजन का भरोसा दिलाया और कहा कि एक बार पायरेट्स किंगडम्स की राइड्स का मजा जरूर लें, आपका बार बार आने को मन करेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप दहिया जी, जिन्होंने पायरेट्स किंगडम्स नाम से ये खरखोदा में एक बहुत ही सुंदर वाटर पार्क बनाया है। इनसे जानते हैं, आज यहाँ प्रोग्राम था, हजारों लोग जुटे हुए थे, ये क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? कुलदीप दहिया जी क्या कहेंगे, आज आपने यहाँ पे एक शानदार प्रोग्राम किया और ये इतना अच्छा वाटर पार्क बनाया? आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वाटर पार्क इस इलाके की आवश्यकता को देखते हुए ये बनाया गया था और आज यहाँ दिलेर खरकड़िया जो है और उसका भाई, दोनों का यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि हरियाणा की जो रागनियाँ हैं, हरियाणा की जो लैंग्वेज है, जो पहले लोग ये कहते थे जाटू भाषा ऐसे, लेकिन आजकल ये नॉर्थ भारत में जो है काफ़ी पसंद करते हैं। और ये लड़का बहुत ही अच्छा गायक था, काफ़ी इसके फॉलोअर्स थे, तो उनकी डिमांड थी कि ये आए, तो आज यहाँ पर ये आया था। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी राष्ट्रीय लेवल की राइड्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की, बहुत सुरक्षित राइड्स, अच्छा वाटर है। सबसे बड़ी बात है कि और जगह जो ना खारी पानी होता है, लेकिन यहाँ नदी के नज़दीक है और बहुत ही मीठा पानी है, कोई भी खुजली वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी राइड से। तो यहाँ इस इलाके के आज की विज्ञान भरी जिंदगी में सब लोग व्यस्त हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी मनोरंजन की भी है, क्योंकि मनोरंजन के बगैर इंसान आगे फ्रेश नहीं हो पाता। जैसे हम कुश्ती लड़ते थे तो जब कुश्ती में 1 मिनट का रेस्ट मिलता है, या सुबह शाम कुश्ती करने बाद एक रेस्ट की जरूरत होती है मसल डेवलप करने की, इसी प्रकार माइंड को भी एक मनोरंजन की जरूरत होती है। जब आदमी का मनोरंजन हो जाता है तो नई जिंदगी, नया सवेरा समझ के और दूसरा काम करने के लिए फ्रेश हो जाता है। तो आज ये संडे का दिन था, बड़ा व्यस्त रहा, आज 2,500 आदमी आए यहाँ, और बल्कि हमने तो एंट्री को रोकना पड़ा कि भाई ज़्यादा होगी, फिर उनको 1 घंटे के बाद फिर जो पहले वाले लोग चले गए थे दोबारा से उनको एंट्री दी। तो बहुत अच्छा मनोरंजन का प्रोग्राम है जी,
यहाँ आप एक बार आए हैं और एक बार जरूर देखें कि कैसा यहाँ है, मैं तो ये कहना चाहता। तो दर्शकों ये थे कुलदीप भैया जी, जो कह रहे हैं कि ये पायरेट्स किंगडम्स वाटर पार्क जो बनाया गया है इसमें मजबूत सारे की सारी राइड्स हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एक बार जरूर यहाँ आकर देखिए और महंगे खर्चों से जो हम पहाड़ों में जाके चिल करते हैं उन खर्चों से बच के यहाँ मनोरंजन करिए। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह, नमस्कार। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।